हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे आईपीएल के ऊपर। मैच 31 खेला गया शारजा में बिटवीन किंग्स इलेवन पंजाब एंड आरसीबी। ये मैच भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और वन साइडेड मैच था और इन दी एंड किंग्स इलेवन पंजाब ने ये मैच 8 विकेटों से जीती। पहले मैं आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करूं कि आरसीबी ने कहां कहां गलतियाँ की। आरसीबी ने टॉस जीता और खुद पहले बैटिंग करने का फैसला किया। आरसीबी ने अपने 20 ओवर में बनाए 171 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने 48 रन बनाए, मॉरिस ने 25 रन बनाए और दुबे ने 23 रन बनाए। काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाई किंग्स इलेवन पंजाब के बॉलर्स ने। अश्विन को 2 विकेटें मिली, शमी को 1 विकेट मिली और दीप सिंह को 1 विकेट मिली। और पंजाब के बॉलर्स ने आरसीबी को रिस्ट्रिक्ट रखा 171 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। जब किंग्स इलेवन की बैटिंग गई, किंग्स इलेवन का क्या तूफानी स्टार्ट था और किंग्स इलेवन की तरफ से के आर राहुल ने 61 रन की इनिंग्स खेली, क्रिस गेल ने 53 रन बनाए और साथ साथ मयंक अग्रवाल ने 45 रन बनाए और किंग्स इलेवन पंजाब ने ये मैच आसानी से 8 विकेटों से जीत लिया और खाली 1 विकेट जो है चहल को मिली। और काफ़ी और आरसीबी के बॉलर्स काफ़ी वेवर थे, स्पेशली आज क्रिस गेल का पहला मैच था। क्रिस गेल ने अपने पहले मैच में ही थोड़ा टाइम लेके इनिंग्स खेली लेकिन अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया और क्रिस गेल की इनिंग्स की वजह से किंग्स इलेवन पंजाब अपना दूसरा मैच आईपीएल 2020 का जीत गया और मैन ऑफ द मैच मिला के आर राहुल को। के आर राहुल एज यूजुअल हमेशा परफॉर्म करता है लेकिन उसकी टीम में कोई भी परफॉर्म नहीं करता और के आर राहुल की कप्तानी में किंग्स इलेवन अपना दूसरा मैच जीत गया। लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब अभी भी बॉटम ऑफ द टेबल है और किंग्स इलेवन पंजाब की हालत अभी भी काफ़ी टाइट है। लेकिन के आर राहुल की 61 रन की इनिंग्स और मयंक अग्रवाल की 45 रन और साथ साथ हाफ सेंचुरी बाय क्रिस गेल, इनकी बैटिंग ने हेल्प किया किंग्स इलेवन पंजाब जीत गई 8 विकेटों से। और काफ़ी इंटरेस्टिंग और वन साइडेड मैच था क्योंकि एक टाइम पर किंग्स इलेवन पंजाब ऐसा लग रहा था कि किंग्स इलेवन पंजाब इस टूर्नामेंट में परफॉर्म ही नहीं करी थी, लेकिन किंग्स इलेवन पंजाब ने फिर अमेजिंग गेम ऑफ क्रिकेट के बाद आरसीबी को 8 विकेटों से हरा दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।